जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, जो आप लोग की रिक्रूटमेंट 2788 वैकेंसी 2022 स्टार्टिंग में आप लोग की वैकेंसी है, जिसके लिए फॉर्म एक्सेप्ट हुए, रिजेक्ट हुए और आप लोग के यहाँ पे एडमिट कार्ड आ चुके हैं। 18 जुलाई 2022 से आप लोग यहाँ पे फिजिकल स्टार्ट है, जो कि सितंबर लास्ट तक आप लोग के यहाँ पे चलने वाले। पल पल की इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, चाहे वो 18 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज मेरा जो वीडियो है, जी हाँ, आज मैं आप लोग को लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पे सुनवाने वाला हूँ। वाटर कैरियर, ये वाटर कैरियर को लेकर स्टूडेंट काफी परेशान थे कि सर वाटर कैरियर के फिजिकल नहीं हो रहे हैं, क्या कोई जानकारी दीजिए, वाटर कैरियर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या करवाए जा रहे हैं, तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में देने वाला। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखेंगे। वाटर कैरियर और इसके साथ साथ कुक से रिलेटेड भी वहां पे फिजिकल हो रहे थे, यानी कि ट्रेड टेस्ट वगैरह हुए, तो दोनों ही यहां पे जानकारी आप लोग को मिलने वाली है, वाटर कैरियर और कुक से रिलेटेड। तो यदि आप लोग का भी सेंटर पड़ा है हजारीबाग, जी हाँ हजारीबाग आप लोग का सेंटर पड़ा है, तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं पड़ा तो भी आप लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुक से रिलेटेड जानकारी आप लोग को मिलने वाली है और सबसे इंपॉर्टेंट वाटर कैरियर से रिलेटेड आप लोग को जानकारी मिलने वाली है। वाटर कैरियर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं, आने वाले समय में आपसे भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्या उनसे बातचीत हुई है, लाइव रिकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सुन लीजिए। हेलो, हाँ प्रणाम सर। प्रणाम भाई, पहुंच गए क्या? हाँ सर, वो दरअसल हम निकले 6:30 बजे, मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, चलो। तो हम सोचे कि पहुंच के हम फोन बता देंगे। और बताओ कैसा रहा तुम्हारा फिजिकल आज का, कौन सा सेंटर था तुम्हारा? हजारीबाग मेरू कैंप है झारखंड में। अच्छा अच्छा, झारखंड में। और ट्रेड कौन सा है तुम्हारा? ट्रेड मेरा वाटर कैरियर है। अच्छा, वाटर कैरियर का ट्रेड है तुम्हारा, तो थोड़ा सा बताओ हजारीबाग में क्या चल रहा है फिजिकल, मतलब एंट्री का क्या टाइम वगैरह था? एंट्री सर 4:30 बजे से ही एंट्री हो रही है, ठीक है। अच्छा। और एंट्री के साथ ही गेट के पास ही आज दो ट्रेड वालों का रनिंग था, एक कुक का भी था, वाटर कैरियर का भी था। तो वाटर कैरियर वालों को अलग बैठा दिया जा रहा था और कुक वालों को अलग, वहां से सिर्फ बस आती थी। ये बताओ थोड़ा सा, मतलब जैसे कि हजारीबाग है, ये जो सेंटर है ये रेलवे स्टेशन से मतलब कहाँ से नियरेस्ट है, कैसे है? देखिए सर, यहाँ रेलवे स्टेशन से तो पॉसिबल नहीं है, बस से ही आना पॉसिबल है, क्योंकि ये जो सेंटर है ना शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है बाहर। अच्छा, तो कहाँ से बगल में बस कहाँ से मिलेगी? बस से कहाँ उतरना पड़ेगा, मान लो जैसे हम बाहर से आ रहे हैं? तो बाहर से आ रहे हैं तो आपको पहले, यदि आप आ रहे हैं तो आपको पहले रांची आना पड़ेगा। रांची से 150 रुपये किराया है हजारीबाग का बस स्टैंड। अच्छा। और बस स्टैंड से फिर 20 रुपये किराया है वहाँ बीएसएफ कैंप का। और बगल में सर रूम भी मिलती है 150 रुपये में एक दिन के लिए। चलो ठीक है, इतना तो तुमने बता दिया। आप ये बताओ कि अभी मौसम कैसे चल रहा है तुम्हारे हजारीबाग का? सर मौसम बहुत ही अच्छा है, रनिंग लगभग सभी पास कर लिए थे। बारिश का मौसम था तो उससे पहले जो है कि बारिश हो चुकी थी, रनिंग स्टार्ट होने से पहले लगभग सर भोर में 3 या 3:30 बजे बारिश हो चुकी थी, तो मौसम बहुत अच्छा था। ओ, तो मतलब सभी को बेनिफिट मिल गया यहाँ पे है। हाँ, यहाँ पर लगभग सर वाटर कैरियर के 132 लड़के थे तो 100 लड़के तो रनिंग में सिलेक्ट हो गए। अच्छा ठीक है, एवरेज काफी अच्छा है। और कुक में भी लगभग 60 लड़के ये हो गया। अच्छा, तो ये बताओ वहाँ पे फिजिकल वगैरह कैसे हो रहा है, मतलब मींस वहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह कैसे चेक हो रहे हैं पहले ये बताओ। देखिए सर, जैसे हम लोग फिजिकल पास किए ना तो हम लोग को एक नहीं, फिजिकल स्टार्ट होने से पहले हम लोग का सर जो रोल नंबर लिया गया लास्ट का 3 नंबर, हम लोग का 3 बार थंप लिया गया, उसके बाद ग्रुप बनाया गया, उसके बाद रनिंग हुआ। रनिंग जैसे कंप्लीट हुआ एक हम लोग को फाइल दिया गया, जो हम लोग इस समय ऑनलाइन जो भरे थे हम लोग, जो हम लोग को रिसीविंग मिला था उसी वही हम लोग को मिला। अच्छा। उसके बाद सर 3 फॉर्म मिला हम लोग को भरने के लिए, ठीक है। एक 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 फोटो उसमें चिपकाना था, 4 फोटो बाहर से देना था, उसको फॉर्म फिलअप किए। उसके बाद फिर सर हाइट और चेस्ट की नापी हो रही थी। अच्छा, हाइट चेस्ट में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना सेंटर पे? नहीं सर, हाइट और चेस्ट में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सर। चेस्ट में जिसको चेस्ट की कमी थी ना उसको भी पास कर दिया गया है, तो जिसको 1 सेंटीमीटर कम था उसको 3-3 नहीं 4-4।
बहुत अच्छा है, मतलब तो सेंटर तो तुम्हारा बहुत अच्छा रहा। सेंटर बहुत अच्छा है सर, और ट्रेड टेस्ट में भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। कुक का भी जानकारी है, हम कुक में क्या हुआ था, कुक में सिर्फ रोटी बिलवाया गया था। अच्छा। जैसे 30 लड़के ले गए, उसे मेस में ले गया गया, पांच पांच लड़के का ग्रुप बना दिया गया और उन लोग से रोटी बिलवाया जा रहा था। सिर्फ बिलवाया जा रहा था कि बनवाया, मतलब फुलवाया भी जा रहा था, मतलब हाँ, पकवाया भी जा बन रहा था? बन पकवाया भी जा रहा था अच्छा, मतलब चूल्हे, रोटी। मतलब जो चूल्हे वगैरह का सब इंतजाम था, गैस वैस सब? हाँ, गैस उसका सब इंतजाम था, आटा पहले से रेडी था, तो अच्छा इन लोग से सिर्फ बिलवाया जा रहा था। अच्छा इन लोग से बिलवाया जा रहा था और कुछ से खीरा कटवाया जा रहा था। अच्छा हाँ, रोटी बिलवाया जा रहा था, बस कुक में इतना ही ट्रेड टेस्ट हुआ है। यहाँ नॉर्मल ही चल रहा है ट्रेड टेस्ट, अच्छा जिसका भी और यहाँ पर लगभग ट्रेड टेस्ट में सभी बच्चे पास हो रहे हैं। ये कुक का था। वाटर कैरियर में दो काम था, एक सब्जी धोना था और एक बर्तन धोना था। बस, सब्जी धोना, बर्तन धोना, कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं करवाया? अच्छा कुछ नहीं करवाया, यार, तेरा स्पॉटर गेरे तो मतलब इतना सिंपल यार, बहुत ही सिंपल करवाया एकदम। बहुत सिंपल करवाया सर। और कल स्वीपर का आ रहा है, तो स्वीपर का भी जो ऑफिसर से बोले कि नहीं, कल स्वीपर का जो आएगी वहाँ पर रनिंग, उन लोग का टेस्ट लिया जाएगा, स्वीपर अच्छा वालों का लिया जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, मतलब वाटर कैरियर कुछ करवाया नहीं गया, बस नहीं, सब्जी इस धो। सब्जी धोया गया और बर्तन धोया गया। चलो ठीक, फिर तो मुझे लग रहा है कि ट्रेड में तो तुम्हारे वाटर कैरियर के सारे बच्चे पास हो गए हो, तो धोने में कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ सर, वाटर कैरियर में सारे पास हो गए, लेकिन कुक में छट गए लगभग अभी 15 बच्चे। रोटी हाँ, बनानी पड़ रही है ना, इस वजह से दिक्कत हो गई। रोटी को टेढ़ा बना रहे थे तो उन लोगों को हटा दिया गया, ले जो रोटी बना ले रहे थे उन्हें पास कर दिया गया। ट्रेड में यहाँ सभी पास है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ना हाइट में दिक्कत है, चेस्ट में दिक्कत है, ना ट्रेड में दिक्कत है, और ना नहीं ही तो रनिंग बहुत में है। दिक्कत है, अच्छा, तो ना डॉक्यूमेंट तो में जैसे तुम्हारे हजारीबाग में ये कुछ ओबीसी वगैरह को मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं आई, जैसे कि बिहार में जो ये अनुमंडल मंडल वगैरह करते हैं इस प्रकार से, जैसे ओबीसी एसटीएसटी, कुछ दिक्कत आई किसी को? नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। रेसिडेंटल में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्सपीरियंस में? सर सर्टिफिकेट में जिसका कोई किसी का फॉल्ट था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, तो उन्हें सलाह दिया जा रहा था कि तुम ये करवा लेना, अच्छा उनकी भगाया नहीं जा रहा था। जैसे किसी का डेट इशू था, किसी का डेट इशू नहीं किया था, तो वो बताया जा रहा था कि आप है ना इसको निकलवा लेना, दोबारा डेट इशू करवा के। अच्छा चलो यार, मतलब बहुत ही सपोर्टिव स्टाफ और बहुत ही अच्छा, मतलब देखने में हो रहा तुम्हारा हजारीबाग का सेंटर तो बहुत ही अच्छा हाँ दिख रहा सर, हाँ सर, सब दिन का नाम ही रहा है, अच्छा रहा। है। नहीं तो और सेंटरों पे तो मतलब कई जगहों पे थोड़ा सा टाइट हो चुका है सारा मामला, लेकिन हजारीबाग का बहुत अच्छा रहा। चलो ठीक है, हजारीबाग का, हाँ, वाटर वाटर कैरियर कैरियर या कुक का का काम भी वही करवाया गया है जो वाटर कैरियर का ही काम होता है, ऐसा नहीं कि कुक का काम करवा लिया गया हो। जी सर। लेकिन सर, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप SSGD पर एक बार वीडियो बना दीजिए। हाँ मैं आप बनाऊंगा, मैं बनाता हूँ। ठीक है। अच्छा कुछ वो मिला तुम्हें, प्रूफ वगैरह कुछ मिला? हाँ सर, मैं फोटो खींच के भेज दूँ क्या? चलिए, हाँ नहीं ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, फोटो वगैरह ठीक है जी। ओके सर। तो अभी आप लोगों ने पूरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे सुन ली, हजारीबाग में जो वाटर कैरियर कुक से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जाने से पहले यही कहूंगा, यदि चैनल बने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। और आने वाले समय में रिटर्न एग्जाम मेडिकल भी पास करते हुए आप लोग को फाइनल ज्वाइनिंग लेनी है BSF में एज ए कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।